एसके न्यूज़ सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ सबसे तेज। अग्रसेन पीजी कॉलेज में स्वच्छता अभियान वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जी हां, वाराणसी में इन दिनों स्वच्छता अभियान जोरों पर है और ये स्वच्छता न केवल आसपास की गंदगी के लिए बल्कि आज के दौर में बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए भी बहुत जरूरी हो चुकी है। आज की जनरेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए बनारस के अग्रसेन पीजी कॉलेज में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वाराणसी के अग्रसेन पीजी कॉलेज में कंप्यूटर युग में फैल रहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को किसी तरह काम किया जाए, इस पर हाल ही में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान डिजिटल स्वच्छता पर हुई चर्चा में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने भी शिरकत की। वर्कशॉप में हिस्सा ले रही छात्राओं का कहना है कि आज के दौर में ये बहुत ही जरूरी है कि हम जिस युग में हम जी रहे हैं उसके अवगुण जानना बहुत जरूरी है और टेक्निक गार्बेज से देश और पूरे विश्व को बचाने का प्रयास सबको मिलकर करना चाहिए होगा। लगभग 500 छात्राओं ने इस सेमिनार में हिस्सा लेकर ये जानकारी हासिल की है कि तकनीकी युग में इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज क्या होता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज से छुटकारा पाया जा सकता है। वाराणसी से एसके न्यूज के लिए दीपक तिवारी की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ठीक कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आती है, किस ढंग से खतरनाक है ये विश्व के लिए, भारत के लिए और लोकल हम लोग सभी लोग, इसमें बच्चों के साथ एक बड़ी परिचर्चा है। इसमें क्या दिखा है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक कॉमन यूसेज में सब लोग यही जानते हैं कि मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है, हम भी इसको मानते हैं। लेकिन जो समस्या है वो ये कि हम रिसाइकल प्रोडक्ट को पहले से ही खरीदते हैं। बाहर के देशों का ये डंपिंग ग्राउंड हो चुका है। अमेरिका से जी के डेवलप कंट्रीज जो हैं वो अपने यहाँ के जो सेकंड क्लास प्रोडक्ट्स हैं विदाउट रिसाइकलिंग हमारे यहाँ भेज देते हैं, उनको हम ले लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं। दूसरा, अमेरिका ऐसे देशों का सबसे बड़ा जो ग्राहक है वो चाइना है। चाइना अपने यहाँ उसको यूज़ नहीं करता, उसको रिसाइकिल करता है और फिर वो थ्रो करता है भारत के मार्केट में। भारत का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट उनके लिए और आप देखते हैं कि भारत में चाइना की बहुत सी चीज़ें बड़े तकनीक के प्रतिमा से लेकर सभी चीज़ मिल जाती है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ऑलरेडी रिसाइकल्ड है, उससे जो रेल निकलती हैं उसको जलाने में जो खतरे आते हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है। इसको बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है जिस पर चर्चा करने की बात है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात नहीं है, बाकी सब चीज़ों को भी चर्चा करनी है। ये लगातार चल रहा है पिछले 10 दिनों से। ये 500 बच्चे इसमें आज बैठे हैं और कुछ हमारे बाहर के लोग हैं, इन्वायरमेंट के इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर।